बड़ी खबरें हैं जो आज टीवी आपको बता रहा होगा। पहली खबर बताई जा रही कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता वाली बैठक से पहले भाग आए, वो नाराज हैं। ये कितनी सच्ची खबर है इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया, उन्होंने कहा है कि वो पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे और साथ ही अगर कोई इंडिया एनडीए दल वाला होगा जो मेरे साथ गठबंधन में आएगा वो मैं नहीं करूंगी। हरियाणा पंजाब में उन्होंने गठबंधन के संकेत दिए हैं, किस पार्टी से इस पर ही बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बात नीतीश कुमार, विपक्ष की बैठक के बाद नीतीश कुमार पर जेडीयू का पहला बयान, सूत्रधार कभी नाराज नहीं होते, नाम पर भी आपत्ति नहीं है। टीवी अखबार लगातार खबरें चला रहा था कि नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ अगुआ बने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक से नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के अनुसार यह अफवाह है। एयरपोर्ट पर लल्लन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता, यह अफवाह मीडिया द्वारा फैलाई जा रही है। यह बात पूरी तरह से गलत है, कोई नाराजगी नहीं है। मुंबई में जो अगली बैठक होगी उसमें आगे की रणनीति तय होगी। इंडिया नाम से नाराजगी के सवाल पर लल्लन सिंह ने कहा कि सबकी सहमति से विपक्षी एकता का नाम इंडिया रखा गया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इंडिया जब नाम रखा गया तो डेमोक्रेटिक शब्द जोड़ा जा रहा था। नीतीश कुमार ने डी से कहा कि नहीं, ये तो एनडीए में भी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उनका, तो डेमोक्रेटिक शब्द नहीं रखेंगे। उसके बाद उसको डेवलपमेंट शब्द का उन्होंने सुझाव दिया था, जिसको भी मान लिया गया है। तो ये भी अफवाह साबित हो रही है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सोचिए किस तरह से उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, हमारी किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया उन्होंने, ये भी स्पष्ट कर दिया है कि उनका वो चुनाव लड़ेंगी सब जगह अकेले, लोकसभा भी अकेले लड़ेंगी। हरियाणा और पंजाब में वैसे दलों से गठबंधन करेंगी जो एनडीए का हिस्सा ना हो या इंडिया का हिस्सा ना हो। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए, लोग अफवाह फैलाते रहते हैं। और दिलीप मंडल ने लिखा है और क्या चल रहा है, जाति जनगणना का खौफ चल रहा है। जनगणना के इतिहास में आजादी के बाद पहला मौका है जब जनगणना ही टाल दी है। पाकिस्तान से 1971 का युद्ध हुआ तब भी जनगणना नहीं टली, इस बार टल गई। पब्लिक जाति का कॉलम देखे बिना जनगणना करने नहीं देगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मध्य प्रदेश में आज फिर से बुलडोजर चल रहा है और इस बार मुसलमानों का घर है तो डंके की चोट पर चल रहा है। तो सोचिए, ये सवाल है कि जब इसी राज्य में एक शुक्ला ने पेशाब कर दिया था, जब उसके घर बुलडोजर चले थे तो तमाम लोगों ने कहा था कि जो आरोपी है उसका घर ही नहीं, उसके बाप और माँ का है तो बुलडोजर क्यों। और उसके समाज ने 51 लाख रुपए के मदद का भरोसा भी दिया, 51 हजार दिया भी, पंचायतें भी हुई ब्राह्मण समाज का, मुस्लिम समाज के जो आरोप, मान लीजिए वो आरोपी हैं तो कोर्ट सजा देगी। और अगर घर भी ढहा जा रहा है तो क्या ये उनके माँ बाप का घर नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं जिस समाज के पास मीडिया जुडिशियरी नहीं है उस समाज के साथ यही होगा। एक और खबर बता रहा हूं, लोकेंद्र गुर्जर ओबीसी के युवा नेता है, उन्होंने एक याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में कि जबलपुर हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक केस चल रहा है, उसमें 3 ऐसे जज बनाए जाए जिसमें न तो जनरल कैटेगरी के हो न ओबीसी के हो, न्यूट्रल बेंच बनाया जाए, निष्पक्ष बेंच बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना कर दिया और ये खबर भी बारन बेंच से हटा दी गई। तो ये भी सोशल मीडिया पर है। और सोचिए गरीब का क्या दर्द होता है। देखिए ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं यहाँ आदिवासी वर्ग के, जिन्होंने इस उम्र में देखो लकड़ी ला रहे हैं जंगल से, सुबह स्कूल चलो हम अभियान चल रहा है, स्कूल जाने का समय, चूंकि ये कुछ परिस्थितियां जो भी हो
स्कूल छोड़कर ये जंगल जा रहे हैं, कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी ला रहे हैं, आज इनके लिए हम कुछ प्रयास करते हैं, रोकना आलो भैया है। तो ये डीएसपी संतोष पटेल हैं, किसान समाज में पैदा हुए, लगातार गरीब मजदूर बहुजनों को न्याय देते हैं, अधिकारी हैं। आदिवासी बच्चों को देखा, सर पर गठरी है लकड़ी का, उसको स्कूल ड्रेस पहनाया। पूरी खबर नेशनल दस्तक पर भी आप देख सकते हैं। नौकरी से गाड़ी मिलती है, पैसा मिलता है, वेतन मिलती है, इज्जत मिलती है, लकड़ी लेने थोड़ी जाना पड़ता है। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। 24-0 एमपी, सोचिए बीजेपी के जो 24 जो एमपी है, वो 21 पार्टी जो है उसके एक भी एमपी नहीं है 38 में। 7 पार्टियों के एक एमपी है और 2 पार्टियों के 2 एमपी है। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और सोचिए किस तरह से लगातार ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, और ये खबर आपको और कोई नहीं दिखाएगा। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देख सकते हैं। और सोचिए विपक्ष हो तो बीजेपी जैसा। पटना में जो लाठी चार्ज हुआ था और एक शख्स की जो मौत हुई थी, उसमें बीजेपी ने पुलिस पर भरोसा नहीं किया, अपनी टीम बैठाई जिसमें रूबिका लियाकत का झूठ पकड़ा गया था। ये सुनिए, ये देखिए, उन्होंने बैरिकेड तोड़ा था इन लोगों ने। तो ये लाइव सिटीज के रिपोर्टर हैं जो बता रहे हैं। और सोचिए फर्जी, छत्तीसगढ़ में फर्जी एससी एसटी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर लोग नौकरी कर रहे हैं, उसके खिलाफ लोगों ने नंग धरंग प्रदर्शन किया, कोई चैनल नहीं दिखाएगा। सोचिए गुजरात में बाढ़ आ गया है, धोराजी सिटी जो राजकोट में है, लोग कह रहे हैं कि गुजरात में बाढ़ मतलब प्राकृतिक आपदा, और बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्यों में बाढ़, वहां के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। तो ये भी सोशल मीडिया पर। और सुशांत सिन्हा को आज बड़ा अकल बुद्धि आई है। छत्तीसगढ़ में जो एससी एसटी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है नंग धरंग, उसकी खबर दिखा रहे हैं, बड़ा अच्छा है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सवाल तो पूछा जाना चाहिए। तो सुशांत सिन्हा, चलिए अब देर सवेर ही सही, मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे जैसे सोशल मीडिया की वजह से बहुजन समाज की ताकत बढ़ रही है, ये टीवी अखबार वाले आपकी खबर दिखाएंगे, आपके नेताओं को पैनलिस्ट बनाएंगे, लेकिन ये आपको नौकरी नहीं देंगे। रिपोर्टर की नौकरी, संपादक की नौकरी, एडिटर की नौकरी जो मोटी रकम वाली नौकरी है। और चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में 21 जुलाई को लोगों ने कुछ कर दिया है, दिल्ली आना, बड़ी रैली है जो आपको मैं बता रहा हूं। और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और वो तमाम बड़ी खबरें आपको सोशल मीडिया पर ही पता चलेगा। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठे परिवारवादी जातिवादी जजों की मानसिकता में को देश में कौन नहीं जानता है। मंडल आर्मी पूरी तरह आपके साथ खड़ा है। तो लोकेंद्र गुर्जर देखते ही देखते पूरे देश में फेमस हो गए हैं, छा गए हैं। और तिस्ता सितलवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। तिस्ता सितलवार को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, गुजरात हाई कोर्ट का फैसला रद्द। और सोचिए 21 जुलाई को राहुल गांधी पर फैसला है। सुप्रीम कोर्ट से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी को न्याय मिल जाएगा, लेकिन सवाल है कि ओबीसी के जब लोग कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था, और मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उनका प्रधानमंत्री नहीं होगा 2024 में। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब प्रधानमंत्री कांग्रेस का नहीं होगा। इसका मतलब है कि अब इंडिया में जो संगठबंधन बना है उसमें अब प्रधानमंत्री को लेकर तो झगड़ा नहीं होगा। तो ये तो साफ है कि प्रधानमंत्री कोई एससी एसटी ओबीसी का ही हो सकता है और वो गैर कांग्रेसी होगा। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया है कि वो इसको लेकर। और सोचिए ब्राह्मण समाज से आने वाले पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के ही नेता प्रणब मुखर्जी ने भी, सोचिए प्रणब मुखर्जी की बेटी ने जो कहा है, जो कांग्रेस की भी नेता है, कि इंडिया फेल हो गया, गठबंधन के नामकरण पर बोली पर हारे तो लिखा जाएगा इंडिया फेल हो गया। तो अभी से ही उनको हार की चिंता सता रही है। तो सोचिए कि देर सवेर सही तमाम लोग अपनी कम्युनिटी के स्वार्थ जो है वो दिखाई देते हैं। और कुछ खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वो खबरें हैं जो कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपके एक हक अधिकार से जुड़ी खबरें हैं, आपके लिए जरूरी खबरें हैं, इस देश के किसानों के लिए सोशल मीडिया पर ये खबरें हैं।
और ममता बनर्जी बनी 2024 में विपक्ष के प्रधानमंत्री चेहरा, कांग्रेस के इनकार के बाद टीएमसी सांसद ने कहा है। तो बीजेपी ने, कांग्रेस ने साफ कर दिया कि उनका प्रधानमंत्री नहीं होगा, तो कांग्रेस की ये बड़ी सेक्रीफाइस की तरह दिखा जा रहा है। और पटना में लाठीचार्ज पर बीजेपी नेता की मौत के मामले की जांच पूरी, देखते हैं बीजेपी क्या कहती है। और एक दुखद खबर है, बहुत ही दुखद खबर है, टीवी अखबार नहीं दिखाएगा आपको। चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा, 4 लोग की करंट लगने से मौत, 14 गंभीर घायल। सोचिए यही हादसा किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होता तो क्या होता। न एनडीए न इंडिया, फिर किसके साथ जाएंगी मायावती? गठबंधन के लिए रखी है ये शर्त। मायावती जी उसी पार्टी से गठबंधन करेंगी हरियाणा पंजाब में, जो न इंडिया में होगा न एनडीए में होगा। और एनडीए के 38 दल में से 25 दल के पास एक भी सांसद नहीं। सोचिए एनडीए के 38 दलों में से, ये बड़ा खुलासा है। जनसत्ता ने ये खबर छापी है, पता नहीं इसको अखबार चलाना है कि नहीं है। एनडीए के 38 दलों में से 25 दल के पास एक भी सांसद नहीं, 7 पार्टियों के पास सिर्फ एक एमपी। बीजेपी का क्या है प्लान? तो ये बड़ी खबर थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।